नाउ केयरफुल, वैसे एक बोले सीढ़ी बहुत बड़े बड़े है यार भाई साहब, इतने बड़े बड़े सीढ़ी से क्लोज नाउ बट व्हाई के उसके नाम के ओनिक किला जिसने बनाया। सॉरी 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 फाइनली आई फाउंड यू, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हेलो की स्टोरी आ वे 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 लॉन्ग की स्टोरी। ठीक है तो भाई साहब धन्यवाद आप सबका, काफी अच्छा लगा आप सबसे मिलके। हिंदी आता है? हिंदी कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, मिक्स करना है, मिक्स हिंदी बंगला दोनों करना है। तो भाई बताएंगे कुछ किला के बारे में, वो ये दोनों भाषा बोलेंगे, हिंदी बंगला दोनों। शाकाहारी शाकाहारी लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसे एक और नए प्यारे से बेहतरीन वीडियो में। तो अभी हम जाने वाले हैं ढाका के एक बहुत ही पुराना सा कोई किला है जिसका नाम है लारबाग किला, तो हम उसमें जाने वाले हैं। काफ़ी कुछ बताऊंगा उस किला के बारे में, वो किला क्यों फेमस है, किला में क्या क्या खासियत है वो बताने वाले हैं। फिलहाल एक यहाँ पे हमारे ये मिला है भूतिया घर, भूतों का घर मिला है यहाँ। फिलहाल सब अच्छा है ये, मतलब इसमें ये ना घोस्ट हाउस अब कह लो तो वो है। तो अभी हम जाते हैं लारबाग किला और वहाँ पर टिकट कितने का है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या इतिहास है उससे जुड़ा हुआ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए चढ़ते हैं अपने लारबाग किला। और फिलहाल भाई हम आने आ गए लगभग लारबाग किला में, और शायद यही होगा किला। अब दादा लारबाग किला यही है ना, तो ये अपना लारबाग किला, और यहाँ पे शायद हमें लेना होगा टिकट। टिकट कितने का है देखना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने ये लारबाग किला में। लारबाग किला काफ़ी फेमस किला है यहाँ का, करीब 1678 में ये किला बना था जो आप सामने देख ही रहे हैं। तो यही अपने लारबाग किला है, कई इसका प्राचीन इतिहास है जो आपको जानना चाहिए। और इसके प्राचीन इतिहास वाकई में ये अपना मुगल सम्राट जो थे औरंगजेब के जो बेटे थे उनके द्वारा ये बनाया गया था 1678 में। और काफ़ी पुराना किला है, मतलब इतना पुराना किला, और सामने यही अपना किला। और आसपास का जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी मतलब बड़े एरिया में है ये फैला हुआ। और एक वहाँ भी है, एक उस साइड भी, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो पूरा साइड वो है नहीं, तो वहाँ भी अभी जाएंगे। और हमारे साथ हमारे एक अंकल जी मिले हैं जो सर हैं, ये अपने कहाँ से हैं आप? नेपाल। नेपाल से? अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे? ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है घूमने की जगह। किस टाइम आए थे आप, कितने दिन हो गए यहाँ पे? कल आए थे, मैं भी कल ही आया हूँ। तो ये अपने नेपाल से आए हैं और उनसे बात 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 तो बोले कि खाने पीने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो ये तो शाकाहारी लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिल के कि आप भी, और साथ में कहेंगे अकेले आए? मैडम भी आई हैं। अच्छा, तो वो कहाँ हैं? साथ सेमिनार में है। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा पहले मैं घूम लेता हूँ फिर तुमको घुमाऊंगा करके। ना ठीक है, ठीक है सर, अच्छा लगा मिल के। तो भाई यही अपना है किला। और पता है यहाँ पे वैसे कई के हिंदी बोलने आते हैं, मैंने आपको कहा था ना हिंदी बोलने आते हैं जो अपने लोकल बंदे हैं, मतलब। और कई के हिंदी बोलने नहीं आता बट वो हिंदी वो समझते हैं, आप हिंदी बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे बट वो बोलेंगे नहीं, और ये मुझे लगा। और फाइनली ये अपना किला, मतलब जाते भी अंदर किला, शायद एंट्री हमें मिल जाए इस किले के अंदर। और तो भाइयों अभी हम आ गए हैं अपने ये लारबाग किला में जैसे मैंने बताया था। और अब तो मैं कहूँ यहाँ पे क्या है, लोकल जो बंदे हैं ना, लोकल बंदे जो बांग्लादेश के हैं उनका टिकट है 20 रुपये का, और जो बाहर के हैं ना उनका टिकट है 200 या 250 रुपये, कुछ ऐसा है, वो मुझे समझ में नहीं आया था। बट जो बाहर के हैं उनका टिकट महंगा है, और जो लोकल है उनका करीब 30% जो लोकल बंदे उनका है, और बाहर वाले का भाई बहुत महंगा है। अब पता नहीं क्यों महंगा कर रहे हैं, वैसे कुछ खास तो उतना है नहीं जो इतना महंगा है टिकट। इंडिया इंडिया दिल्ली बताओ इसके बारे में, लारबाग किला के बारे में कुछ बताओ, आप क्या जानते हो? तो हम बांग्ला से बता दें, बांग्ला हम लाल किला में फर्स्ट आएंगे तो इस मानी बहुत स्टर मानी बहुत सुंदर आता है, तो फूल रोज योर दालान अनेक अच्छा आता है। तो हम हिंदी नहीं आता तो क्या बोलते हैं, हम बांग्ला से है। नहीं नहीं भाइयों, इन्हें कहीं हिंदी ठीक ठाक बोलना आता है आप। तो भाई दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने ऊपर की ओर, और ऊपर भी यार मतलब क्या बताओ, कुछ है ही नहीं खास जो आपको मैं दिखा पाता, आपको जो बता पाता, तो कुछ खास तो है नहीं फिलहाल। जो पूरा एरिया बहुत बड़े कैंपस में फैला हुआ है, तो इसी के साथ अपना ये पूरा सफ़र होने वाला है फिलहाल। वैसे मैं कहूँ अगर आप दिल्ली पूरा घूमे हैं, दिल्ली हो या लखनऊ या इंडिया में जितने भी ये किले वगैरह हैं अपना वो घूमे, तो आपको उतना मज़ा शायद नहीं आएगा। बट ये जो नहीं देखे उनके लिए तो बहुत कुछ है।
तो यहीं कई लोग यहाँ पे अपना बैठे पड़े हैं, और ये अपना पार्क भी अच्छा है पार्क है। और आपको यदि यहाँ से दिखाऊंगा नज़ारा तो वो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ से अपना नज़ारा। तो एक बार जाते हैं दिखाते हैं आपको, अब देखेंगे ऊपर से नज़ारा यहाँ से रहेगा आपको काफ़ी अच्छा देखने में। ये अपने पूरा लाल बाग का किला का पूरा कैंपस। काफ़ी अच्छा है, मतलब ये पूरा टीम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम माहिर है। माहिर, कुछ बताओ किला के बारे में। मैं यहाँ पर यहाँ पर नहीं। किला के बारे में आप में से कौन जानता है? अरे कुछ तो जानते होगा। नहीं नहीं, किला किला क्यों फेमस है? किला कब बना था? हमरा बोल लगा कोई ना भाई, जो बोल लगा कोई संग बोल लगा मत देना। हमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं ज्यादा कुछ। तुम सब ये हिंदी कहाँ से सीखा? हमको पढ़ाया जाता है। हम पढ़ाया जाता है, अच्छा उर्दू। अच्छा हाँ 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 भाई बताने, उर्दू हिंदी लगभग सेम है ना? ज्यादा फर्क नहीं है। उर्दू के पहले किताब लिखने में सेम, बस अलग है, लेकिन बोलने में सेम है ना? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना उर्दू की। ठीक है, तो भाई साहब धन्यवाद आप सबका, काफी अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और क्या बोलूं, ये दोस्त अच्छा लगा है ना। इंडिया भी आना, इंडिया भी घूमना, ठीक है? जाओगे इंडिया? जाने का कहाँ जाओगे? सर ठीक है भाई, अच्छा लगा, धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है भाई, तो भाई ये भाई साहब काफी अच्छा लगा इन सबसे मिलकर, काफी हमने बातें की यार, और मतलब फोटो ले लिया, अच्छा लगा। मतलब काफ़ी तो फ्रेंडली, और इंडिया को पता है काफ़ी लाइक करते हैं वो ज़्यादा। और पता है मेरे एक दोस्त भी अभी आने वाले, तो उससे भी आपको मिलवाऊंगा। वो उसने ले लिया टिकट, तो टिकट लेके फिर वो भी अंदर आएगा, फिर आपको उनसे मैं मिलवाऊंगा, बातें भी करवाऊंगा, कुछ वो बताएगा भी यहाँ के बारे में। एक बार मिलते हैं उससे, उसका वेट करते हैं। वो फिलहाल वो अंदर आ गया है, वो भी गेट के पास, वो तो सामने है ना गेट, गेट के पास खड़ा है, तो उसके कॉल आ रहा है, मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो भाई हमारे भाई आ गए, काफी ढूंढना पड़ा। हेलो, हाँ ये तो कहीं और, मैं तो कहीं और, तो फाइनली हम दोनों मिल गए हैं। फाइनली आई फाउंड यू, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी, वेरी 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 लॉन्ग स्टोरी। मैं उसमें आई एम डेड साइड, या ओहो लास्ट कॉर्नर, आई स्टेड दिस साइड, besides of the those building, besides of those building। वैसे इनके बारे में बता दूं आपको, नाम नाम बता, ओनिक, ओनिक, इनका नाम ओनिक नाम है। इन्हें हिंदी समझ में आते हैं, बट हिंदी बोल नहीं पाता। और ये यहीं से है, ढाका में रहते हैं फिलहाल, और जो ये इंग्लिश मतलब ठीक ठाक बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं बढ़िया से। और लाल बाग किला वाकई में बहुत बड़ा किला है। या यस, इट्स वाज बिल्ड एट मुगल्स एम्पायर। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर है। हुज नेम मुगल एम्पायर? शाहजहां। शाहजहां और लाइक भारत में जो मुगल एम्पायर ने तो कई किले बनाए हैं, तो वैसे यहाँ भी किले बनाए गए, यहीं से जाना है तो यहाँ भी किले बनाए गए। और भाई कह के उसके नाम क्या है? ओनिक। किला लालबाग फोर्ट। लालबाग फोर्ट इसका नाम है, और किसने बनाया उसका नाम? ओह नो सॉरी, से इट इंग्लिश बिकॉज़ आई कांट अंडरस्टैंड, लाइक मेकिंग लाइक हुज नेम, नेम शाहजहां। शाहजहां, हां तो शाहजहां, शाहजहां एक तो आपका शाहजहां है, वो अपने मुगल एम्पायर में एक शाहजहां। ये बताइए, अपने औरंगजेब के बेटे रहते तो उनके द्वारा ये बनाया गया था, और लगभग मतलब बहुत पुराना किला यार। ऊपर ऊपर अपना सीट, या बी केयरफुल, या आई एम वेरी वेरी नाउ केयरफुल। वैसे इनको पता है सिटी बहुत बड़े बड़े हैं यार, भाई साहब इतने बड़े बड़े सिटी। इट्स क्लोज्ड नाउ, इट्स क्लोज्ड नाउ, क्लोज्ड नाउ, बट व्हाई आई डोंट नो व्हाई इस
तो भाई ये तो भाई बंद कर दिए, बताओ कितने ऊपर हम आए हैं वो इतने बड़े बड़े सीढ़ी में हैं, कहाँ कहाँ भाई साहब यार इतने बड़े बड़े सीढ़ी भाई। ओ भाई बच गए या आई एम ओके बट वाई इज ऑफ लाइक कैन यू आस्क ओके इट्स ओके। नहीं भाई टाइम तो इसका 5 बजे तक है बट ये बंद सॉरी बट ये बंद कर दिए एंट्री ऑफ this off because it's the answer's office. As a result, authority don't allow tourist in here. For you also? For all everybody okay. all because it's the answer's office, guard's office. तो भाई यहाँ पे अंदर जाना allow नहीं है, चाहे वो local हो या बाहर का हो, चाहे इस देश का हो या बाहर देश का हो, no one किसी का allow in here. किसी का allow नहीं है, अंदर जाना पता नहीं क्यों यार, लेकिन होना चाहिए यार। दादा नाम क्या दादा आपका? हबीब। आपका? शाहिद। आपको हिंदी आता है ना, इसलिए मेरी बात आप समझ गए, इसलिए आप फंस रहे थे ना। चलिए अच्छा है, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे कईयों को हिंदी आता है और कई हिंदी समझ जाते हैं बट हिंदी बोल नहीं पाता, तो मतलब सबको सब समझ जाते हैं हिंदी यहाँ पे मैक्सिमम। तो फाइनली यही अपना एक प्यारा सा अपना किला लालबाग किला जो अपने ढाका सिटी में जो अपने ओल्ड ढाका में ओल्ड जैसे अपने दिल्ली में नई दिल्ली पुरानी दिल्ली वैसे यहाँ भी है पुराना ढाका और नया ढाका ओल्ड ढाका न्यू ढाका यार। और सही है भाई मतलब अच्छा लगा वैसे मतलब साथ में पार्क वगैरह देख के अपना आराम से यहाँ बैठो। इन फ्राइडे दिस प्लेस इज फुल्ली क्राउडेड because Friday is our holiday, weekly holiday. Friday is our weekly holiday, Friday and Saturday. Every Friday and Saturday is our weekly holiday. Okay. तो भाइयों इस वीडियो में आपने देखे यहाँ के किले के बारे में कई बातें मैंने आपको बताया, किला के बारे में, किला क्यों फेमस है, किला में क्या 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 खासियत है सब कुछ बताया। भाई ने भी काफ़ी हेल्प की है बताने में, भाई को थोड़े लेट आए बट कोई नहीं आ गए। तो अभी ढाका के कई और वीडियो भी आएंगे, काफ़ी मजा आने वाला है आपको आने वाले। आई सेड सॉरी अगेन फॉर माय लेट बिकॉज टुमारो इज माय एग्जाम, एज अ रिजल्ट आई प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। तो भाई इनका एग्जाम है इसलिए थोड़ा लेट आएगा पर कोई नहीं, इनका एग्जाम अच्छा जाए हम तो यही बोलेंगे, योर एग्जाम विल गोइंग वेरी गुड। या सो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नए प्यारे से बेहतरीन वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी डाउट वगैरह हो तो पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और भी कई वीडियो भी आने वाला है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड टेक केयर एंड बाय बाय।